अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है पाकत क्यानी और आज मैं एक दफा फिर सदर में घोसिया कंप्यूटर शॉप पर मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं अदनान भाई। तो आज हमने ये जो लैपटॉप रखे हैं इनका जो बजट स्टार्ट हो रहा है ये तकरीबन 50,000 से लेकर 1.5 लाख के तक चला जाता है और 6th जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक के ये सारे लैपटॉप्स हैं। तो अदनान भाई बताएं कि कौन सी जनरेशन किसमें है और क्या अभी प्राइस चल रही है। जी सर, पहले डेल से शुरू करते हैं। देखें, ये देखें डेल का ये है 5480 मॉडल लैटिट्यूड सीरीज का। इसमें देखें i5 का 6th जनरेशन का प्रोसेसर होता है, 8 GB की DDR4 रैम लगी होती है, 256 की SSD ड्राइव लगी होती है। ये तकरीबन कॉस्ट कर जाता है 48,000 से 50,000 में विद वारंटी। हम चेकिंग वारंटी देते हैं कस्टमर को लाजमी, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं जी, इसमें i5 8th जनरेशन हमारे पास आ जाता है। ये डेल लैटिट्यूड सीरीज का, डेल लैटिट्यूड 3500 इसको कहते हैं। इसमें i5 8th जनरेशन का क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, 8 GB रैम होती है, 256 SSD होती है। ये तकरीबन 85 तक कॉस्ट कर जाता है। इसकी भी हम प्रॉपर वारंटी देते हैं, चेकिंग वारंटी, ठीक है। चार्जर वगैरह, बैटरी वगैरह इनके साथ ओरिजिनल होते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं जी डेल की एक और सीरीज पे। अब ये लेटेस्ट सीरीज डेल की आ जाती है। इसमें मेरे पास ये है डेल वॉस्ट्रो। इसमें मेरे पास i5 10th जनरेशन भी अवेलेबल है जो 8 GB 256 GB में कॉस्ट करता है तकरीबन 1.22 से 1.25 के दरमियान में, और i7 10 भी अवेलेबल है जो सेम स्पेक्स में कॉस्ट करता है 1.40 से 1.42 के दरमियान में, ठीक है जी। ये बिल्कुल जस्ट ओपन बॉक्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर वारंटीज के साथ होते हैं, FHD IPS वगैरह पैनल वगैरह। अच्छा रफाकत भी अब इसके पास देखें, हमारे पास आ जाते हैं लिनोवो की वैरायटी पे चलते हैं। अब इसमें लिनोवो में जो अच्छी सीरीज है ना वो दो ही है, एक लिनोवो कार्बन होता है और एक लिनोवो योगा है। ये जो मेरे हाथ में देखें ये लिनोवो योगा है। इसमें i7 8th जनरेशन का 360 है, इसमें 16 GB रैम है, 256 SSD है। ये तकरीबन विद वारंटी 90,000 में कॉस्ट करेगा। इसमें मेरे पास फिर i7 6th जनरेशन भी पड़ा हुआ है योगा के अंदर। कार्बन की तरफ चलें तो कार्बन में i5 3rd i7 3rd i5 6, ये सब सीरीज मेरे पास पड़ी हैं। इंशाल्लाह होल सेल रेट्स होते हैं मेरे, होल सेल रेट्स के ऊपर कस्टमर को मिलेंगे। और ये i5 में इसकी क्या प्राइस है? इसमें i5 में भी अवेलेबल नहीं है। अगर i5 में हो तो देखें 90 में आपको i7 में मिल रहे तो 5-10 हज़ार रुपए का आप फर्क डाल लें इसे 5 का, वो कम हो जाती है। अच्छा, इसमें थिंकपैड में कुछ सीरीज आती है जिनमें डबल बैटरी और डबल हार्ड लगती है। वो इसकी टी सीरीज होती है, ई सीरीज होती है, लेकिन यार वो कस्टमर इतना लाइक नहीं करता। बाद में उसके मेन जो इश्यू बनता है ना, एज कम्पेयर टू अगर हम डेल HP की बात करें तो इसका पार्ट थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है और एक्सपेंसिव मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसमें दो ही सीरीज जो कस्टमर लाइक करता है वो दो ही सीरीज है। एक जो इसकी पीक सीरीज है, एक ये कार्बन होगी है, ठीक है, और एक ये आपकी योगा हो जाती है। और अगर आप उसमें गेमिंग वगैरह में चले जाएं वो लीजन वगैरह लोग कस्टमर ज्यादा इसका पसंद करते हैं। अभी जो ये मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें, ये अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में कहूँ तो मार्केट के लाडले मॉडल है, ठीक है। इसमें ये भी मेरे हाथ में HP की लीड बुक 840G3। इसमें i5 का 6th जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 GB की रैम लगी हुई है, 128 GB की SSD M.2 लगी हुई है, प्लस 500 GB की हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है, ठीक है। ये आपको विद वारंटी, हम जो चेकिंग वारंटी देते हैं उसमें कॉस्ट कर जाती है ओरिजिनल चार्जर एक्सीलेंट हेल्थ बैटरी के साथ तकरीबन 55,000, ठीक है। अब इसी शक्ल में वो आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास 7th जनरेशन पड़ा हुआ है इसी का, ठीक है। अब ये लीडबुक 840G3 था, ये आ गया G4। इसमें 7th जनरेशन का i5 आ जाता है, 8 GB रैम हो जाती है, DDR4 256 इंटेल की NVMe SSD हो जाती है, प्लस 500 GB हार्ड ड्राइव। ये आपको 65,000 तक कॉस्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास 8th जनरेशन भी पड़ा हुआ है लीड बुक के अंदर, 10th जनरेशन भी पड़ा हुआ है, 11 भी पड़ा है, जो कस्टमर कहेगा वो मिल जाएंगे, मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी बंदे के पास बजट थोड़ा कम है 30,000 से 40,000 में को परचेज करना चाहे तो देखिए, 30 से 40,000 में अगर आप देखते हैं तो 32-32 में हमारे पास i5 का 4th जनरेशन डेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। 40 में जाते हैं तो 5th जनरेशन के कुछ मॉडल हैं जो 40 में भी आ जाते हैं, नहीं तो कुछ मॉडल हैं जो 45-48 में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, शॉप का कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है डिलीवरी मंगवाना चाहे तो वो भी आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, और शॉप का एड्रेस भी डाला है, और शॉप से आप विजिट करके भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।